everyone. I welcome you all to the online session of Azad High School. आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास फिफ्थ के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 1. ये लेसन इस साल के नए सेशन में से लिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेसन नंबर 1 है द ट्रुथ. ये एक पोयम है. चलिए पढ़ते हैं. से व्हाट यू वांट, मीन व्हाट यू से, रिमेंबर द डार्केस्ट लाइट्स ऑफ दैट डे. यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहता है कि आप जैसा कहते हैं आप वैसा करें और आप वैसा कहें, लेकिन याद रखें कि जो भी आप कहेंगे वह गलत नहीं होना चाहिए. मतलब कि आप किसी से झूठ या फेक प्रॉमिसेस नहीं करेंगे. और ये हमेशा याद रखना है. ये हमें कहाँ ले जाएगा? टू द डार्केस्ट लाइट्स ऑफ द डे, यानी कि हमारे उन जीवनों के अंधेरे समय को भी याद रखना चाहिए. बी हु यू आर, डू एज यू प्लीज. मतलब कि हमेशा वैसे रहो जैसे कि तुम हो. किसी की भी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है. द ट्रुथ इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर नीज. कहने का मतलब है कि सच्चाई हमेशा इंसानियत, जो भी इंसान है उसका सही पहलू आखिरकार दिखा ही देती है. इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहें. द ट्रुथ इज दैट वी ऑल नीड. द ट्रुथ इज द एंड ऑफ द मिस्ट्री. मतलब कि सच और सच्चाई वही है जो हमें चाहिए, क्योंकि सच और सच्चाई हर मुश्किलें आसान कर देती है, हर पहेली को सुलझा देती है. द ट्रुथ इज आउट देयर, यू विल सी. द ट्रुथ इज आउट देयर फॉर यू एंड मी. मतलब जो सच और सच्चाई है वो हमारे आसपास ही है और वो तुम्हें ज़रूर दिखेगी. वह सच्चाई हमारे आसपास है, तुम्हारे भी और मेरे भी. द ट्रुथ इज आउट देयर, द सर्च इज नॉट इन वेन. नॉट इन वेन कहने का मतलब है कि अगर तुम सच की तलाश में जाओगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगी, यानी कि तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा. और रिवॉर्ड के लिए उन्होंने क्या कहा है? द ट्रुथ इज आउट देयर इन द रेन, यानी कि तुम्हें उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा. से व्हाट यू वांट, बट यू बेटर बिलीव. मतलब तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन जो तुम कह रहे हो तुम्हें उसे खुद पे भी विश्वास होना चाहिए. द ट्रुथ इज गोल्ड, वी ऑल मस्ट अचीव. सच और सच्चाई का रास्ता ही तुम्हारा लक्ष्य है, जिसे तुम्हें पाना ही पाना है. तुम्हें क्या, हम सबको पाना है. तो ये थी आपकी पोएम. यहाँ पे आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हैं, ये आपको पढ़ने हैं और समझने हैं. ब्रिंग टू योर नीज, यानी कि घुटनों के बल ला देना. इसका यहाँ पे कहने का तात्पर्य है आपको हम्बल, यानी कि विनीत बनाना, विनम्र बनाना. मिस्ट्री कहने का मतलब है कोई भी जो पजल हो, जो आपको कन्फ्यूज कर रही हो. इन वेन कहने का मतलब है अनसक्सेसफुल, यानी कि यहाँ पे कहा था ना कि ट्रुथ की सच्चाई कभी भी अनसक्सेसफुल नहीं होगी, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी. तो ये थी आपकी पोएम. अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स. नीचे जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन में यहाँ पे आपको बताया गया है रीड द पोएम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर्स. Say what you want, mean what you say, this lines means. यानी कि जो तुम्हें कहना है और वो कहना है, गलत नहीं कहना है. तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वन शुड नॉट मेक फॉल्स प्रोमिसज. नंबर सेकेंड, बी हु यू आर, डू एज यू प्लीज. यहाँ नरेटर क्या कहना चाहता है, मैंने आपको बताया था. इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी, बी नेचुरल एंड नॉट कॉपी अदर पीपल. स्वयं जैसे हैं वैसे रहें, किसी की कॉपी ना करें. थर्ड, द ट्रुथ इज द एंड ऑफ अ मिस्ट्री. मतलब कोई भी पहेली को सुलझाने के लिए या कोई भी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ट्रुथ ही आखिरी रास्ता है. तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, द ट्रुथ इज द ओनली थिंग दैट कैन रिमूव ऑल कन्फ्यूजन. फोर्थ, द ट्रुथ इज आउट देयर, द सर्च नॉट इन वेन. इसका मतलब क्या था कि आप कहीं सर्च करने जाओ वो व्यर्थ नहीं जाएगी. तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी, द सर्च और ट्रूथ इज ऑलवेज रिवॉर्डिंग. उसका कोई ना कोई आपको फल मिलता ही मिलता है. द ट्रूथ इज अ गोल वी ऑल मस्ट अचीव. यहाँ पे नरेटर क्या कहना चाहता है कि वी शुड ट्राई टू बी ट्रूथफुल ऑल द टाइम. यहाँ कहना चाहता है कि हमें हमेशा
सच और सच्चाई का रास्ता ही नापना चाहिए हमेशा। तो यह था आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स में। व्हाट कैन लीड अस टू सी द डार्केस्ट लाइट ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू यू। तो क्या हमें डार्केस्ट लाइट ऑफ द डे लीड करता है? इसका आंसर आप लिखेंगे, टेलिंग लाइज एंड मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस कैन लीड अस टू सी द डार्केस्ट लाइट्स ऑफ द डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम पोएट मीन व्हेन ही सेज दैट द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर नीज। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है, द पोएट मीन्स दैट ट्रूथ विल मेक वन हम्बल, इट विल कॉन्कर द प्राइड एंड एरोगेंस इन वन। ठीक है, यहाँ पे वो कहना चाहता है कि ट्रूथ आपको एकदम विनम्र बनाएगा और आपके जो एरोगेंस और प्राइड है उसको उसमें जीत पाने में आपकी सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डू यू थिंक टेलिंग लाइज मे गेट यू इन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, अब एक्सप्लेन। यहाँ आपको ये एक्सप्लेन खुद करना है कि झूठ बोलना आपको किस एम्बैरेसिंग यानी कि बुरी सिचुएशन में ला सकता है। यहाँ पे सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, तो आप इसमें से कुछ भी कह सकते हैं कि द ट्रूथ गेट अस इनटू एम्बैरेसिंग सिचुएशन वंस वी कॉट अप, जब हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, वेयर कैन यू फाइंड ट्रूथ, आपको सच्चाई कहाँ मिल सकती है। तो इसमें लिखेंगे, द पोएट सेज दैट ट्रूथ इज एवरीवेयर एंड वंस सर्च फॉर ट्रूथ विल नेवर गो इन वेन, इट इज देयर ऑल अराउंड अस इवन इन द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द गोल वी ऑल मस्ट अचीव एंड व्हाई। तो यहाँ आप लिखेंगे, ट्रूथ is the goal that we all must achieve because telling lie may lead us to face embarrassing situations in life. Moreover, truth helps one remain humble and earnest in life. तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हम जाते हैं appreciation। यहाँ आपको दिए हुए हैं कुछ rhyming words बताए हैं, जैसे इस paragraph में say और day है, तो आपने भी ट्राई करना है और ऐसे लिस्ट निकालने हैं पोएम में से जो राइम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर कोई भी जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो आपने साथ साथ लिखने हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं बता देती हूँ, से एंड डे दिया हुआ है, दूसरा प्लीज एंड नीज। इसी तरीके से एक दो जो बनेंगे वो आप इसमें से पोएम में से खुद ढूँढें और उनको खुद लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम इज कॉल्ड द ट्रूथ, डू यू एग्री विद द टाइटल। आपको ये खुद बताना है कि आप ये एग्री करते हैं टाइटल से, तो आप लिखेंगे, येस आई एग्री विद द टाइटल, सजेस्ट अनदर टाइटल फॉर द पोएम। अगर आपके पास कोई और टाइटल है तो आप वो भी इसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पोएम के लिए अगर आपके दिमाग में कोई भी टाइटल आता है तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वरना इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब ये ग्रुप डिस्कशन का आपको दिया है, ये वाला पार्ट आप रहने दीजिए, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है राइटिंग पार्ट, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ 70-100 वर्ड्स अबाउट एन एम्बैरेसिंग इंसिडेंट व्हेन यू वेयर मिसअंडरस्टूड। द पैराग्राफ इज बिगिन फॉर यू कम्प्लीट यूजिंग द हिंट्स बिलो। अब आपको नीचे कुछ हिंट्स दिए गए हैं, इनको आपको देख देख के यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखना है। सबसे पहले तो आपने बताना है कि वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्या थी, क्या हुआ था आपके साथ जब आपको गलत समझा गया था, आप लोगों ने शक किया था कि आप झूठ बोल रहे हो, ऐसे कोई सिचुएशन आपने लिखनी है। फिर दूसरा बताना है कि लोगों ने आपको शक किया था, फिर आपको कैसा लगा था, आपको गिल्टी महसूस हुआ था, स्केयर्ड या गुस्सा हुए थे, फिर आपने सिचुएशन वो कैसे रिजॉल्व की, ठीक है क्या करने का सोचा, फिर अपना फाइनल कमेंट देना है इसके ऊपर। तो ये पैराग्राफ आपने खुद से करना है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये आपने करने हैं, और हाँ इसमें जो भी है ये पैराग्राफ ये आपने खुद से कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।